हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एम टी कैरियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार आज लेके आया एक नया वीडियो, जिसमें कि मैंने बोला था कि मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वीडियो में आप क्रैश कोर्स आपका जो चल रहा है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम इलेक्ट्रिकल, और ये सिविल ब्रांच वालों के लिए भी है मैथ्स। और जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि मैथ्स सिलेबस में नहीं है, वो पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार देखें। मैथ्स 6-7 क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं। तब आपके 100 मार्क्स के पेपर होते थे, अब 120 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं। तो 10 क्वेश्चन आप मैथ्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैंने मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं प्रीवियस ईयर के, आप प्रीवियस मेरे वीडियो जाके देखेंगे। उसमें है कि टैगलाइन में आपको मिलेगा कि मैथमेटिक्स फॉर ऑल ब्रांच एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन मैथ्स के भी आए हैं, तो मैं आपको क्रेडिफाई कर देता हूँ मैथ्स भी सिलेबस में आपके हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का सीजन। आज हम करने वाले हैं मैथ के मिक्स्ड क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस पीएसयूज वगैरह डीआरडीओ इसरो इस सब में जो क्वेश्चन आए हैं, मैं वही करवाने वाला हूं। तो कम से कम आपके मैं मैथ्स में मैथ वाले सेक्शन में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा, 100 क्वेश्चंस। सो कल भी आपके मैथ के वीडियो आएंगे। सो ये जो लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो ये देख सकते हैं आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ईसी इसरो 2008 का, जिसमें कि ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है हस्बैंड एंड वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर टू वैकेंसी फॉर सेम पोस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड गेटिंग सेलेक्टेड इज 1/5, वाइल द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ गेटिंग सेलेक्टेड इज 1/7, देन प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन ऑफ देम गेटिंग सेलेक्टेड इज। तो यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड क्या होगा, गिवेन है आपका 1/5, और प्रोबेबिलिटी वाइफ का आपका गिवन है 1/7। सो इसमें आपको प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन, एनी वन मीन्स कोई भी, और का यहाँ पे कंडीशन है। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी एच यूनियन मीन्स हस्बैंड यूनियन वाइफ इक्वल टू फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये डब्लू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन डब्लू। एक्चुअली ये फार्मूला होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे एच आपका हस्बैंड को डिनोट कर रहा है, डब्लू आपका वाइफ को डिनोट कर रहा है। सिंपली फार्मूला पुट में वैल्यू पुट कीजिए 1/5 प्लस 1/7 माइनस, और ये जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और ये इंटरसेक्शन, तो सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू, तो सिंपली 1/5 इंटू 1/7। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 7 + 5 35 माइनस 1/35, सो 12 माइनस 1/35, सो ये आ जाएगा आपका 11/35 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इसी 2008 का है। यहाँ पे मॉडलस ऑफ 1 + cos α प्लस आई साइन अल्फा, सिंपली अगर जेड इक्वल टू अगर है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + cos α, इसको अगर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये रियल पार्ट हो गया, और आई साइन अल्फा, तो साइन अल्फा आपका इमेजनरी पार्ट में हो गया। तो मॉडलस ऑफ जेड होता है स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। सो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 + cos α का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर। सो यहाँ से ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो 1 + cos² α प्लस 2 cos α प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपका 1 हो गया, तो 1 + 1 + 2 cos α। तो सिंपली यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, तो 1 + cos α। सो 1 + cos α का फॉर्मूला होता है आपका 2 cos² α अपॉन 2। सो सिंपली क्या हो जाएगा 2 cos α अपॉन 2। सो यहाँ से ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ये DRDO 2008 इसी ब्रांच वाले के लिए आया था। सिंपली यहाँ पे 1 + 2i 3 - 4i प्लस 2 - i अपॉन आपका 5i। तो सिंपली इसको क्या करेंगे कि सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका LCM ले लेंगे, तो 3 - 4i इधर 5i, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 1 + 2i इंटू 5i प्लस 3 - 4i इंटू आपका 2 - i। इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली 5i प्लस 10i स्क्वायर प्लस 6 - 8i माइनस 3i प्लस 4i स्क्वायर अपॉन हेयर 15i माइनस 20i स्क्वायर।
इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपका -1। सो यहाँ से क्या हो गया, 5i -8i, ये हो गया -3i, और ये -3i क्या हो गया आपका -6i, और 10i² क्या हो गया -10, 4i² हो गया -4, तो -14 +6 तो क्या हो जाएगा -8, अपॉन यहाँ पे 20i² है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -20 माइनस प्लस, सो 20 यहाँ से +15i। अब क्या करते हैं, आपका मैथमेटिक्स का रूल होता है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको क्या करते हैं हम रेशनलाइज कर लेते हैं। सो 20 -15i अपॉन 20 -15i से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको क्या होता है 1 हो जाता है। तो सिंपली इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 × 20 -160, और ये +120i -120i, और 6i ये +90i² अपॉन ये होता है a + b a - b, a² - b² सो 20 का स्क्वायर -15i का स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 90i² हो जाएगा -90, और -160 क्या हो गया -250, 20 स्क्वायर होता है 400, और ये 15i², i² हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 400 + 225 हो जाएगा 625। सो इसको आप 125 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा -2/5। सो यहाँ से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर से है, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि आपका कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन f(z) इज एनालिटिक। फॉर एनालिटिक के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए आपका कंटिन्यूअस। सो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी होता है। सो अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन है तो वो, और सारे पॉइंट पे एट एनी पॉइंट, तो क्या होता है वो फंक्शन आपका f(z) जो कि ez है वो एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। एनालिटिक के लिए कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होना जरूरी है। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर ऑल जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कैलकुलस से है, ये आपके DRDO 2008 का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है लिमिट का। यहाँ पे देख सकते थोड़ा देर के लिए x < 0 है, यानी कि आपको 0 से कम वाले जो भी वैल्यू हैं उसके लिए फंक्शन 3x - 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा। x = 0 पे आपका फंक्शन f(x) की वैल्यू 0 है। x > 0 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ग्रेटर एक्स से 0 से अगर ग्रेटर है तो उसके लिए फंक्शन 2x + 5 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है, तो लिस्ट आपका गिवेन है, इसमें मैच करने हैं। तो सबसे पहला ए सॉल्व करते हैं, लिमिट x → 2 f(x), तो यहाँ 2 है, 2 क्या है आपका 0 से ग्रेटर है, तो कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2x + 5। सो क्या हो जाएगा, लिमिट x → 2 2x + 5, तो लिमिट में क्या करते हैं सिंपली पुट कर देते हैं, तो 2 × 2 + 5 दैट इज 9। सो यहाँ इसका 9 होगा। बी का देख लेते हैं क्या है, लिमिट x → 0 प्लस है f(x), तो इसका क्या हो जाएगा, 0 प्लस मीन्स क्या होता है कि 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर कौन सा है, ये है, तो 2x + 5 ही आएगा यहाँ भी। सो लिमिट x → 2 लिख सकते हैं इसको 0 + 2x + 5। सो अगर यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। सी देखते हैं, लिमिट x → 2 आपका 0 माइनस है f(x), तो 0 माइनस मीन्स < 0, सो आपका फंक्शन 3x - 1 सेलेक्ट करेंगे। सो लिमिट x → 0 ये है आपका फंक्शन 3x - 1, x में यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, 0 - 1 आपका -1 हो जाएगा। डी आपका है फिर लिमिट x → 3 f(x), 3 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन 2x + 5 लेना पड़ेगा। सो लिमिट x → 3 ये हो जाएगा 2x + 5, 2 × 3 + 5 दैट इज 11। सो यहाँ से देख सकते हैं 9, 5 - 1, 11, सो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कि ए मैन विथ एन कीज वांट्स टू ओपन ए लॉक, मींस कि एक मैन है जिसके पास एन चाबियां हैं जो कि आपको लॉक को उसको खोलना है। सो ही ट्राइज हिज कीज एट रेंडम, यानी कि रेंडमली वो कीज को ट्राई कर रहा है, यानी कि जितने भी कीज हैं उसको ट्राई कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है कि द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स
फॉर हिज सक्सेस इज, यानी कि आवर की आर रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी अटेम्प्ट, तो खोल रहा है और की को दूसरी तरफ रख दे रहा है, तो वो बोल रहा है कि उसका क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने अटेम्प्ट्स उसके सक्सेस में लग सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एन जो है, यानी टोटल नंबर ऑफ आपके आउटकम वो आपके एन होंगे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट अगर वो करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/n। लेकिन वहाँ पे क्या है कि अगर वो ट्राई कर रहा है तो एटलीस्ट वन टाइम्स जरूर उसका खुलना चाहिए। यहाँ पे ये उसने नहीं बोला है कि सिर्फ वन ही टाइम, उसमें बोला है द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट फॉर हिज सक्सेस, तो उस सक्सेस के लिए कितने अटेम्प्ट होनी चाहिए फॉर एवरी अटेम्प्ट, यहाँ पे बोला है कीज रिप्लेस, तो कीज का रिप्लेसमेंट भी वहाँ से हो रहा है। तो अगर वो एन टाइम्स मीन्स एन बार अगर वो ट्राई करेगा तो क्या होगा, ट्राई करेगा तो एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक बार खुले, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेक्टेशन एन हो जाएगा। सो यहाँ से आंसर एन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछ रहा है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स, ये लाइन्स गिवेन है, तो यहाँ पे बोला है आर कंकरेंट, तो कंकरेंट के लिए क्या होता है आपके कि डिटर्मिनेंट्स जीरो होते हैं। अगर थ्री लाइंस अगर आपके कंकरेंट होंगे, थ्री लाइंस आर कंकरेंट, तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स उसका जीरो होता है। तो आप डिटर्मिनेंट्स लिखने के लिए मैट्रिसेस में एक सेपरेट टॉपिक लाऊंगा, बिकॉज मैट्रिसेस से तीन चार क्वेश्चन DFCCIL में आए थे, तो मैट्रिसेस के कम तो दो वीडियो में लाऊंगा, तो उसमें डिटेल में आप देखेंगे। ऐसे अभी देख लीजिए कि एक्स की जगह पे हम टू लिखते हैं, एक्स का कोफिशियंट, फिर वाई का कोफिशियंट, फिर जेड का कोफिशियंट, पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन 4 3 -3, तीसरा इक्वेशन 3k, और ये आपका -2, तो इसको क्या होता है प्लस माइनस प्लस लेते हैं डिटर्मिनेंट्स के लिए, तो 2, तो यहाँ से ये गया, तो बचा क्या बचा क्या कॉफी -6 + 3k -1, ये हो गया आपका -8 + 9, यहाँ से आपका फिर से -1, और ये हो गया आपका 4k - 9 = 0। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका -12 + 6k, ये -8 + 9 1, सो -1, -4k + 9 = 0, सो 6k - 4k हो गया 2k, और यहाँ से -12 - 1 - 13 + 9 - 4 = 0, सो 2k = 4, सो k = 4/2, दैट मीन्स कि 2, सो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली इसमें फॉर्मूला पूछा है, ये भी हाइपरबोलिक फंक्शन है यहाँ पे, सो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू पूछा है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है आपका, तो कॉस थीटा का सिंपल वैल्यू होता है डायरेक्टली e^i θ + e^i θ/2, तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा का भी जान लेते हैं कि साइन थीटा का क्या होता है, अगर पूछ दे तो e^i θ - e^i θ/2i होता है साइन थीटा का, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपके इसरो 2007 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें x³ + sin x इज, बोल रहा है कॉन्स्टेंट फंक्शन, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, तो सबसे पहले ऑड इवन है तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा कि f(x) आपका क्या है, x³ + sin x है, तो f(-x) अगर हम चेक करेंगे x sin x है यहाँ पे, सो f(-x) हम लेंगे तो क्या होगा -x³ - x - sin x आपका आ जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ -θ - sin θ होता है, इससे आपका प्लस हो गया, सो -x³ + x sin x, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका -x³, तो ये ना तो आपका f(x) आ रहा है और ना ही आपका -f(x) आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे आपका नाइदर इवन नॉर ऑड है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन तो हो नहीं सकता ये, और पीरियोडिक फंक्शन भी हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे ये आपका पीरियोडिक नहीं होने देगा, तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए था कि नाइदर इवन नॉर ऑड, तब जाके ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ए बॉक्स कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 5 रेड बॉल्स, 2 बॉल्स आर रेंडमली पिक्ड वन आफ्टर अनदर, ये जरूर ध्यान में रखिए, बिकॉज
यही ट्विस्ट है यहीं पे, फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, द प्रोबेबिलिटी फॉर बोथ बॉल गेटिंग रेड, सो रेड की प्रोबेबिलिटी आपको कहना है, तो ब्लैक बॉल आपका 5 है, रेड बॉल भी आपका 5 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम फर्स्ट जब अटेम्प्ट लेता है तो क्या होता है, तो पहला रेड बॉल निकालने के लिए 5c1, टोटल कितने बॉल हैं, टोटल बॉल आपके 10 बॉल्स हैं, तो 5c1 अपॉन 10c1 इनटू, अब क्या हुआ दूसरी बार वो निकालेगा, दूसरी बार निकालेगा तो अब रेड में कितने बचे, एक चला गया तो बचा 4, और 10 में भी एक चला गया तो बचा 9, तो 4 और 9 में होगा तो 4c1 अपॉन यहाँ पे 9c1, तो nc1 आपका n होता है, तो 5 × 4 अपॉन 10 × 9, सो 5 2 जा 2 2 जा, तो यहाँ पे 2 अपॉन 9, सो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेक्टर से है, यहाँ पे सिंपली गिवेन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये JTO 2001 में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का BSNL का एग्जाम पहले हुआ करता था, उसमें आया था ये क्वेश्चन। सो ये गिवेन है और बोल रहा है दूसरा कंडीशन आपका गिवेन है ए क्रॉस बी जो कि ए क्रॉस सी के इक्वल है, तो इसमें बोल रहा है ए इज नॉट ए नल वेक्टर, सो ए आपका नल वेक्टर इसमें बोल रहा है कि नहीं है, तो अगर हम अज्यूम करें कि ए नल वेक्टर है तो क्या होगा, तो क्या होगा बी सी हो जाएगा, बी इक्वल टू सी हो जाएगा इस केस में, दैट मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब ए जीरो हो गया, दैट मीन्स आपका हो गया कि ए जो वेक्टर है आपका परपेंडिकुलर है बी माइनस सी वेक्टर से, क्यों परपेंडिकुलर, कॉस 90 जीरो होता है तो ये परपेंडिकुलर है। यहाँ से देख लेते हैं आपका अगर ए को हम जीरो लेते हैं, ए अगर जीरो वेक्टर है तो क्या हो जाएगा बी इक्वल टू सी वेक्टर अगेन यहाँ भी हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, लेकिन ए क्या है नल वेक्टर यहाँ से नहीं है, तो नल वेक्टर अगर नहीं है, ए अगर आपका नल वेक्टर नहीं है दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका बी इक्वल टू सी हो जाएगा, सो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो देखते हैं, कंसीडर द लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे गिवेन है आपका dy/dt प्लस ay इक्वल टू x, तो ये किस फॉर्म में है आपका, तो ये फॉर्म है dy/dx प्लस ay इक्वल टू x वाले फॉर्म में है, तो यहाँ से आपका द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके द सॉल्यूशन इज यूनिक फॉर ए गिवन एक्स ओनली इफ द इनिशियल कंडीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, ये भी नहीं हो सकता। द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स फॉर जीरो इनिशियल कंडीशन, तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से और भी मैथ्स के क्वेश्चंस मैं लाऊंगा। सो ऐसे ही चैनल से बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग CMT, स्टे ट्यून्ड CMT।